इस वक्त हम सीधे चलेंगे अपने सहयोगी करिश्मा के पास जो बंगाली अखाड़ा में हैं और वहां सिंदूर खेला का कार्यक्रम चल रहा है। करिश्मा, किस तरीके से ये आयोजन वहां हो रहा है और दर्शकों को बताइए और दिखाइए जरा वहां की तस्वीर। जी बिल्कुल, देखिए अभी हम इस वक्त खड़े हैं राजधानी पटना के लंगर टोली यहाँ बंगाली अखाड़ा में और यहाँ पर सिंदूर खेला का रस्म किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया गया और अब ये देखिए उसके बाद ये जो बंगाली समुदाय के जो महिला हैं वो सिंदूर लगा रही हैं और सिंदूर लगा करके एक अखंड सौभाग्य का ये प्राप्त कर रही है। तो हम चाहेंगे आप इनको सिंदूर लगा रही हैं और ये देखिए तस्वीरें कि अब जब माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित करने के बाद ये जो तमाम जो महिलाएं हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगा के आशीर्वाद भी ले रही हैं और अखंड सौभाग्य का जो है वो आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी हालांकि जब सिंदूर लगाने के बाद या मिठाई खिलाने की भी परंपरा रही है और ये देखिए आप ये कितना खूबसूरत सा नजारा जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये सिंदूर लगाने के बाद यहाँ पर जो महिला है एक दूसरे को सिंदूर लगा रही है और इस सिंदूर लगाने के बाद अखंड सौभाग्य जो अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना कर रही है। और आपको बता दें कि इस सिंदूर लगाने के बाद अब वो एक दूसरे को मिठाई खिलाती है। यहाँ पर तमाम महिला है, हम उनसे बात करेंगे। आज सिंदूर खेला का रस्म हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। साल भर के बाद आए हैं पहली बार। बिल्कुल, कोरोना की वजह से काफी लोगों भाइयों से, लेकिन अब इस बार काफी उत्साह, बहुत बहुत खुशी हो रहा है। मतलब हम लोग क्या बताए, 1 साल नहीं हुआ ना तो हम लोग को देह में खून नहीं लग रहा, चालू हुआ है। देखिए इस चेहरे पे कितने उत्साह दिख रही है। आज कैसा लग रहा है, इस बार सिंदूर खेला हो रहा है, किस तरीके से आप लोग सिंदूर खेला खेल रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट बार आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके से आप लोग सिंदूर खेला खेलती है, क्योंकि आज सिंदूर खेला का जो रस्म है वो काफी भव्य तरीके से किया जाता है। तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और ये सिंदूर खेला का रस्म अदा कर रही हैं। और इधर देखिए अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसा लग रहा है जी, भी सिंदूर खेला का आज रस्म किया जा रहा है और किस तरीके से बोलिए, सिंदूर खेला का आज रस्म किया जा रहा है, कैसा लग रहा है, किस तरीके से आप? अच्छा, बहुत अच्छा। एक तरफ दुख भी है माँ को विदा करने का, उसके अलावा खुशी भी है। इस कोविड के माहौल में माँ सब कुछ अच्छा करते हुए आई है, जा रही है, हर तरह का जो भी हम लोग का तकलीफ से गुजर रहे हैं उसको माँ अपने साथ लेके जाए, बस यही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो लोगों में उत्साह देखिए, काफी भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए कि आप जो तमाम महिलाएं हैं सिंदूर खेला खेलने के बाद अब वो जो बंगाली रीति रिवाज से जो डांस किया जाता है ढोल नगाड़ों के बीच, अब ये जो महिला है वो देखिए बच्चे हैं, ये है यहाँ पे तमाम महिला है। हम चाहेंगे एक बार आप लोग सब डांस करें, किस तरीके से आज बंगाली परंपरा है उसके तहत ये जो तमाम महिला है देखिए किस तरीके से डांस कर रही है। ढोल नगाड़े के धुन पर ये थिरकती हुई नजर आ रही है और ये देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर चाहे लड़कियां हो चाहे महिलाएं हो वो बंगाली रीति रिवाज के अनुसार से ढोल नगाड़ों से नृत्य कर रही हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से, क्योंकि ये एक जो बंगाली परंपरा है ये अपने आप में काफी भव्य है, काफी खूबसूरत सा नजारा है। और ये महिला देखिए यहाँ पर ढोल बाजे के नगाड़ साथ ये लोग देखिए किस तरीके से नृत्य कर रही है। ढोल नगाड़ साथ ये तमाम महिला जो है वो गोल गोल घूम कर ये कर रही है। देखिए आप किस तरीके से कमर पे हाथ रखकर कितने उत्साही दिख रही है ये जो महिला है। ये एक परंपरा है और इस तरीके का लोग जो हाथ पकड़ कर एक दूसरे का गोल गोल घूम कर खूब उत्साहित के साथ इस जो सिंदूर खेला होता है, सिंदूर खेला का जो रस्म होता है वो रस्म अदा करती है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए जो महिला है वो गोल गोल घूम करके यहाँ की जो काफी उत्साहित दिख रही है गोल गोल घूम कर इस ढोल नगाड़े के उसके नृत्य धुन पर ये महिला है वो थिरक रही है। क्योंकि जब अगर जाहिर सी बात है अगर ढोल नगाड़ा बजे और महिलाएं के पैर ना थिरके ऐसा तो हो ही नहीं सकता और यही तस्वीरें वो बयां कर रही है। और देखिए आप यहाँ पे जो महिला है अब वो सिंदूर खेला खेल रही है और सिंदूर खेला खेलने के बाद अब ये महिला है वो थिरकने के मूड में है और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये महिला लोग हैं, अब ये लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि ढोल नगाड़ों के धुन पर थिरकना है चाहे जो भी हो, लेकिन उत्साह कम ना होना चाहिए
और यही तस्वीरें आपको बयां करिए। देखिए सिंदूर खेला का ये जो रस्म होता है, मांग में सिंदूर, गालों पे सिंदूर, ये लगाया जाता है और ये अखंड सौभाग्य का जो कहते हैं लंबी आयु की कामना करते हैं अपनी सुहाग की। और माँ को इस तरीके से देखिए, एक विदाई का समय जरूर है, एक जिस तरह से बेटी एक विदा होती है, ये विदाई के समय जो जाहिर सी बात है कि माँ की आंखें नम होती है और ये वही उस पल का एक क्षण है जब विदाई की घड़ी आती है और यहाँ लोग जो है उनकी आंखें नम हो जाती है और यहाँ के तमाम महिलाएं जो विदाई के समय में किसी की आंखें भी नम है और ये लोग ढोल नगाड़ा भी बजेगा यहाँ पे, क्योंकि भव्य तरीके से बंगाली समुदाय के जो महिला हैं वो इस खेला सिंदूर यानी खेला जो होली के जैसे हम लोग होली खेलते हैं, यहाँ सिंदूर होली का, सिंदूर का होली खेला जाता है। और ये देखिए यहाँ पर महिलाएं हैं और अब वो वहाँ पर जाएंगी जहाँ पे माता रानी का मूर्ति रखा है, वहाँ पर भी ये लोग ढोल नगाड़ों के धुन पर नृत्य करेंगे, वो हम तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। और ये देखिए यहाँ पर जो महिला है और अब वो वहाँ पर जाकर जिस जगह पे माता रानी का सिंदूर खेला हो रहा है, सिंदूर चढ़ा है, और अब ये तमाम जो महिला है वो वहाँ पर जा रही है और उस जगह की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जब वहाँ भी सिंदूर खेला होगा और ये ही भव्य तस्वीरें जो हम आपको दिखाएंगे। आखिर काफी तादाद में महिलाओं की भीड़ देखे जा रही, क्योंकि सिंदूर खेला है वो महिलाओं का ही खेला है। करिश्मा जरा आप जो आपके साथ श्रद्धालु हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी बात करिए और जहां ये लोग जा रही हैं माता की प्रतिमा के सामने, हम चाहेंगे आप वहां भी जाएं और वो दृश्य दिखाएं दर्शकों को और किस तरीके से वहां ये लोग एक परंपरा जो है उसको वहां पर निभाएंगी, ये भी हम तस्वीर दिखाएंगे। साथ साथ आप बात भी करिए जरा, जो श्रद्धालु हैं वो कितना उमंग और उत्साह उनमें है। बिल्कुल अमित जी, देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे फिलहाल जो तमाम महिलाएं हैं वो अभी दूसरे जगह नृत्य कर रही थी ढोल नगाड़ों के साथ, अब वो पहुंची हैं जहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा रखी हुई है और अब वो महिलाएं हैं यहाँ पर पहुंची हैं और यहाँ पर भी वही उत्साह देखने को मिलेगा महिलाओं का, क्योंकि महिलाएं ढोल नगाड़ों के धुन पर इसी तरीके से थिरकते हुए नजर आएंगे। और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया जा रहा है और इसी सिंदूर अर्पित कर जो महिलाएं हैं वो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और यही आशीर्वाद है कि यहाँ जिस तरीके से आपको मैं सिंदूर कर रही हूँ उसी तरीके से आप भी जो हमारा सुहाग है वो बनाए रखिएगा, यही इस सिंदूर खेला का मतलब होता है। और यहाँ पे अमित जी हम एक चीज और आपको दिखाना चाहेंगे, जो ये अगर हम बात करें वेशभूषा की तो ये बंगाली समुदाय का, क्योंकि ये जो वेशभूषा है वो एक अलग तरीके का होता है क्योंकि थोड़ा हट के होता है, यही तो एक नजारा खूबसूरत सा होता है देखने का। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लाइन में खड़े होकर अपनी अपनी बारी का भी इंतजार करिए महिलाएं, क्या वो धीरे धीरे आगे जाएंगी माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित करेंगी। और ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर सिंदूर खेला खेला जा रहा है, आइए हम इनसे बात करते हैं कि सिंदूर खेला को लेकर कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बट साथ में दुख भी हो रहा है कि दुर्गा पूजा एंड हो गया है। सो हैप्पी विजयादशमी टू ऑल। बिल्कुल, आखिर लिए विदाई का समय है तो आंखें तो नम जरूरी होगी। हाँ एकदम अच्छा, आज बहुत मन में खुशी भी है और उदासी भी है कि माँ जा रही है अपने घर में, माँ की विदाई हो रही है। क्या कुछ मांगा है आप माँ से, कुछ मांगा है आपने, क्योंकि अब तो विदाई का समय है, जाहिर सी बात है लोगों की आंखें नम हो रही है और ऐसे में क्या कुछ माँ से मांगा? আমরা এইটাই আশা করি কি সারা জীবন মায়ের সঙ্গে যেরকম এখন সময় কাটাচ্ছি সারা জীবন এরকম সময় কাটি, হাসতে হাসতে আসুক আর মা যাক, হাসতে হাসতে কেউ কান্না কাটে কিছু না, প্রতি বছরের এটা নিয়ম। আমরা খুব হ্যাপি, খুব খুশি, মায়ের কাছে যা চাইবো সেটাই পাবো। বাস খুশি খুশি যাইয়ে মা, ফির খুশি খুশি বাপস আইয়ে। আর এসে তরিকে ইয়ে মাঙ্গে হ্যাঁ কি করোনা সে সবকো মানে মুক্ত রহে, আশীর্বাদ দেন, সব সেফ রহে, अच्छे से रहें कि जिससे हम लोग अगले साल फिर से धूमधाम से पूजा कर सके। बिल्कुल, तो यही मांग की जा रही है इन महिलाओं को कि भगवान फिर से आप जाइए और इसी खुशी खुशी के साथ आप आइए और जिस तरह से कोरोना को देख करके अगले साल इससे भी उत्साह महिलाओं में देखने को मिलेगा, यहाँ भी और भी महिलाएं उनसे भी हम बात करें, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम एक साल से बीमार थे, अभी बीमार से उठे तो नवरात्रा करके हम लगे कुछ ठीक लग रहे हैं। माता रानी को मनाते हैं कि हम अगले साल बेटा बहू के साथ हम अपना पूजा करें। बिल्कुल, कहते हैं भक्ति में ही शक्ति है, तो यही भक्ति इसमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कितनी भीड़े देखने को मिल रही है, जो महिला देखिए एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं और एक दूसरे को मांग में सिंदूर लगा रही हैं, गालों में सिंदूर लगा रही हैं। यही है जो एक परंपरा है बंगाली समुदाय का और यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं
वो सिंदूर अर्पित कर इस सिंदूर जो इसे कह सकते हैं कि सिंदूर का होली, जिस तरीके से हम लोग होली रंग का खेलते हैं उस तरीके से सिंदूर हम लोग यहाँ पे सिंदूर का होली खेलते हैं। माता से बार बार हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, मीठा कराते हैं, हम लोग ऐसे ही सिंदूर हमेशा पहनाते रहे उनको और हम लोग खुद लगाते रहे। माँ बार बार आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी तरीके से माँ बार बार आए और यही खुशी खुशी माँ को विदा करेंगे और खुशी खुशी फिर इसी खुशी के साथ बिल्कुल। और जिस तरह से कोरोना आया है बिल्कुल, तो प्रेम से बोलो जय माता दी। बिल्कुल, तो देखिए आप कितने उत्साह है महिलाएं और कितने बिल्कुल करिश्मा, भक्ति अपने चरम पर है, भक्ति का उत्साह अपने चरम पर है और माँ की आराधना में लोग लगे हैं अपने अपने तरीकों से। महिलाएं एक विशेष रस्म वहां पर निभा रही हैं और सिंदूर खेला का कार्यक्रम चल रहा है। अब जो नगाड़ा और जो ढोल वाद्यंत्र वहां पर होता है, क्या वो भी वहां हो रहा है, ये भी बताइए जरा। बिल्कुल, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो नृत्य करेंगी, वो डांस करेंगे, वो झूमेंगे इसी तरीके से। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पे महिला जो है ढोल नगाड़ों के साथ गाजे बाजे के साथ यहाँ पर नृत्य करेंगे, तो हम चाहेंगे आप लोग नृत्य करें। और वो तस्वीरें जो सुंदर सा क्षण है, वो क्षण की घड़ी हम आपको दिखाएंगे जब ये जो सुंदर सुंदर सी जो महिलाएं हैं वो महिलाएं अब नृत्य करेंगी। यहाँ पे लड़कियां भी मौजूद हैं और सभी लोग बस इंतजार कर रही हैं बस नृत्य का, क्योंकि ढोल नगाड़े बजना है और उस गाने पर फिर से थिरकना है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और फिलहाल माता रानी का एक एक कर सिंदूर किया जा रहा है। तो ये देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ गाजे बाजे के साथ यहाँ जो महिलाएं हैं वो अपने अपने धुन पर थिरक रही हैं। और ये देखिए सिंदूर खेला के बाद अब लोग हैं महिलाएं वो डांस करेंगी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब देखिए अब एक दूसरे को, क्योंकि सिंदूर खेला का जो रस्म होता है पहले एक दूसरे को लोग सिंदूर लगाते हैं और फिर देखा जाए तो इसका जो एक शुभ होता है वो शंख होता है और उलू देवा होता है। ये जो शुभ होता है क्योंकि इस सिंदूर खेला के रस्म में, क्योंकि बंगाली समुदाय में ये काफी शुभ माना जाता है ये शंख का और उलू देवा का, तो हम इसको लेकर बात करें। कैसा कर लग रहा है, हमारे साथ एक सुंदर सी कन्या भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा। इस बार क्या कुछ मांगा है माँ से? बोर्ड्स में अच्छे नंबर आने का। बिल्कुल, तो परीक्षा में अच्छे नंबर आए, हमेशा ऊपर है, माँ का सदा हमारे पास आशीर्वाद रहेगी। माँ से और क्या मांगेंगे, झोली खोल के माँ खुशी 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 प्रदान करे, सारे दुख ले जाए, सब कष्ट सब आइए, दुख दर्द कोरोना भी ले जाए साथ में, माँ दुर्गे की जय। तो आप देख रहे हैं महिलाएं कितनी उत्साहित है, कोरोना माँ ले जाए, क्योंकि इससे ज्यादा उत्साह अगले साल भी देखने को मिलेगा। खुशी खुशी आए और खुशी खुशी जाए, ये माँ को विदा करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार नृत्य करें और वो नृत्य हम देखना चाहेंगे कि आप लोग किस तरीके से सिंदूर खेला के दौरान ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डांस करिए तो हम भी देखना चाहेंगे। बिल्कुल, तो आज ये देखिए सुंदर सा नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अब महिलाएं, क्योंकि बंगाली का ये जो गाना है जाहिर सी बात है ये गाना बजे और महिलाएं ना थिरके ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यही वो नृत्य जगह है, वही वो दृश्य है कि जो महिलाएं इस गाने पर थिरक रही हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए एक ही वेशभूषा, लाल पाड़ वाली साड़ी व्हाइट कलर की, और ये तस्वीरें आप देखिए एक जैसी लोग ड्रेस पहनी है और इसी ड्रेस देखिए अब ये डांस करते हुए नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से गाना बज रहा है यहाँ पर और उस गाने के तौर पे जो महिलाएं हैं वो डांस कर रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि देखिए महिलाओं में कितना उत्साह देखा जा रहा है और खासकर गाना बजे ढोल।